थैंक यू किस बात का? एक जिंदगी में आने के लिए और किस लिए? वाह, इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है इस घर में रहने वालों को। हिम्मत तो रखता हूं लेकिन मुनासिब नहीं समझता। मेरा मानना है मोहब्बत एक राज होती है, अगर कोई तीसरा इसे जान ले तो मोहब्बत सर्द पड़ जाती है। और मेरे लिए यही काफी है कि ये बात तुम जानती हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत थी, है और हमेशा रहेगी। और इस बात का इत्मीनान भी है कि मेरी मोहब्बत और मेरी अम्मी की पसंद एक ही है। तुम जानती हो रूमी, अम्मी बहुत मान के साथ तुम्हें अपनी मनपसंद बहू बनाकर इस घर में लाई। इस भरोसे के साथ कि उनके बेटे ने उनकी पसंद के सामने अपना सर झुका दिया। और मैं भी यही चाहता हूं कि उनका ईमान कभी ना टूटे, हमारी मोहब्बत हमेशा एक राज रहे हम दोनों के दरमियान, कभी कोई तीसरा इसे जान ना पाए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा सर, मैं आपका और आपकी अम्मी का मान कभी नहीं टूटने दूंगी। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? जिंदगी में आने के लिए और किस लिए? वाह, इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है इस घर में रहने वालों को और किसी को खबर भी नहीं हो सकी। लेकिन मैंने भी सब खुशगुमानियां हवा में ना उड़ा दी तो मेरा नाम भी माही नहीं। मुझे कहते हैं जी हीरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।